मोहताजों से महंगा माल खरीदना सदक़े से बेहतर है और एहसान में दाखिल है। वो शख्स चोर है जो किसी से कर्ज ले और देने की नीयत ना हो। जो आपके नसीब में लिखा है, चाहे वो दो पहाड़ों के बीच में क्यों न हो, वो आप तक जरूर पहुंचेगा। कभी गुस्से में भी तलाक का लफ्ज अपनी जुबान पर न लाओ, खुदा को ये अमर सख्त नापसंद है। जिससे फरेब व धोखा होता है, अगर तूने वो चीज पसंद की तो ये ऐसा ही है जैसे तुमने शैतान की पैरवी कर ली। वो अपने दिल में नदामत और शर्मिंदगी का दरख्त उगाता है, जो अपने आज़ा को शहवात की ग़िज़ा देता है। बेनमाजी जब खुदा से मिल जाता है तो खुदा उसकी दूसरी खूबियों पर कोई तवज्जो नहीं देता। जब कोई अपनी फिक्र में मुब्तला होगा तो उसके इश्क का दावा झूठा होगा। दाना आदमी उस वक्त बात शुरू करता है जब उसके न बोलने का नुकसान हो। तवक्कुआत का अंजाम सिर्फ दुख होते हैं। नमाज न पढ़ने वालों पर फतवा न लगाओ, बल्कि उनके मददगार बनो और उनको अपने साथ नमाज पढ़ने ले जाओ।